तो ये है आज का वेदर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। 3:15 बजने को आया है, बच्चों को लेने जाने का टाइम और ये बारिश, सब कुछ साथ में होता है ना। इतना विंडी वेदर है आज का और बारिश और सब कुछ ही खराब आज का वेदर है। और बच्चों को लेके डायरेक्ट ही शिवांश को टीथ दिखाने के लिए जाना है, तो डेंटिस्ट के पास जाना है। सब कुछ साथ साथ में होता है, जब भी होता है ना तो इतना हेक्टिक हो जाता है ना। चलिए निकलते हैं। ये देखिए इतना विंडी है। तो अभी 3:15 बजे है और ये है बाहर का वेदर। घर पे आऊंगी ना तब तक तो रात होने को आई है ना, ऐसा फील होगा, पूरा अंधेरा हो जाता है। 5 बजे तक तो अंधेरा हो जाता है, दिन खत्म। अभी देखते हैं क्या होता है। आज डेंटिस्ट के पास जाते हैं। शिव तो बहुत डरा हुआ है, सुबह गया ना तभी बोल रहा था कि मुझे नहीं जाना डेंटिस्ट के पास, पर क्या करे, जाना तो है ही। लेट्स सी क्या होता है वहां पे। फाइनली पहुंच गई इतने ज्यादा बारिश में डेंटिस्ट के पास। ओके, नो वरी, यू विल बी फाइन। तो आ गए हैं घर पे और 5:30 बजे जैसे मैंने आपको बोला ही था कि अंधेरा होना लग जाएगा जब घर पे वापस आएंगे तभी। तो ये रहा ये विंडो, ग्लासेस वगैरह सब कुछ साफ भी करने हैं, तो वो आई थिंक कल करूंगी। बारिश रुके तो कुछ हो पाए। मैंने हजी डेंटी जानो तो अबे बे बार हजी जानो छे ने हजी बे बार बिकॉज़ तू केटलू क्राई करतो तो એટલે 2 मंथ के बाद वापस जाना है। तो आई होप कि तभी क्राई ना करे शिवांश, है ना। बहुत जल्दी क्लियर। आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में ना दिवाली के जो नाश्ते वगैरह है वो बनाना स्टार्ट कर दूँ। क्लीनिंग तो मेरी खत्म होने वाली है नहीं, मुझे लगता है। ओबा जी ने को बोलो मेरे स्कूल से आओ। मुझे ओके ना, हमने दीवा बनाना छे। हाँ, शिवांश को स्पेशली एक टास्क दिया गया है क्योंकि हिंदुइज्म के ऊपर सारा जो है टॉपिक है वो पढ़ाने वाले हैं स्कूल पे। तो शिव एक ही है हिंदू, तो वो सब कुछ लेके जाने वाला है बना के। बतू होमवर्क ना बतू कराना। हाँ, दिवाली के टॉपिक पे वो सब कुछ बताने वाला है, तो वो सारा कुछ प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ बनाएंगे शिव के लिए। हाँ। तो फिर स्कूल पे वो प्रेजेंट कर पाए। तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कुकर से स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। कुकर के बहुत ज्यादा कमेंट आए इंस्टाग्राम में, तो इतने मैसेजेस रील सब कुछ कुकर के बारे में ज्यादा आ रहे थे। जैसे कि जयदीप बहुत फन उड़ाता है मेरा और कुकर का रिलेशन का। नहीं इस बार नहीं लाई क्योंकि बहुत सारे पड़े हुए हैं अभी, स्टॉक है इतना है ना, तो अभी जरूर है। एक डजन से नहीं, 2-3 पड़े हुए एक्स्ट्रा। एक बे डजन ना ले तो होय, एक बे डजन ने मतलब मैं कुकर ने शू करू, बीजू बार लागे जाय छे। महीनो થશે તમને કાસી કી તૂટી જાય, આ તો તૂટી જાય, આ તો નહીં તૂટી જાય। नहीं तो आज कुकर में रखा हुआ है पाव भाजी के लिए, सब कुछ बॉईल करने के लिए, क्योंकि पाव भाजी हमारे घर में सबकी फेवरेट है। लास्ट पाव भाजी जो हम लोगों ने नटराज की खाई थी ना धारी में, उसे सबको पेट में गड़बड़ हो गई थी, ऐसा कहना है हमारे फ्रेंड सर्कल में सबका। जरूर ने गोटा पन खा जाता, पानी पन पीतो तो फिल्टर वगैरह। हाँ, तो वो उसमें से कुछ हो सकता है। लंबी बस की जर्नी पन करी थी तुम लोगों, जर्नी बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी, इससे थकावट भी इतनी हो गई थी। अभी तक मेरा जो टमी है ना वो सेटल डाउन नहीं हुआ है, पूरा दिन दर्द, थोड़ा सा भी खाऊं दर्द शुरू हो जाता है। पर हाँ, सबकी कमेंट आई थी कि बाहर का बहुत खाया है आप लोगों ने और सब कुछ, तो फिर अभी इंडिया गए हैं तो फिर क्या करें यार, थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ, सूरत भी फरसान बहुत खाया था। हाँ, तो बहुत भेगू था, तो पछी जाए ने। हाँ, आपकी फेवरेट पेटिस बहुत खाई थी। और हाँ, कथा की भी बहुत कमेंट आ रही है, ये कब कथा आने वाली है, इस महीने के एंड में ही आने वाली है। और कथा के पास मैंने मंगवा लिया है गिरीश का फेवरेट पेटिस। पेटिस गिरीश को बहुत पसंद है, पर क्या है कि यहाँ पे पहुंच नहीं सकती, तो हाफ फ्राई करके वो लोग भेजेंगे। हाँ, तो उसके घर के आसपास ही कहीं पर मिलती है, जो फेमस पर आती है ना जो पेटिस। 4-5 किलो इतनी ज्यादा खा जाएंगे नहीं, 1 किलो मंगवाई, अभी देखते कितना लेके आ पाए वो, देखते वो खाना पड़ेगा कितना कैसा स्वाद है। नहीं बहुत अच्छी आती है वो नवसारी के फेमस। नहीं बगड़ी नहीं गई नहीं हम ये प्रमाण। हाँ बगड़ी, केम के मां लसन भी आवे એટલે ના પેક કર્યું એટલે જોવું પડે ને પહેલી વાર। હા એટલે तो देखते हैं कैसा मिलता है। और क्लीनिंग का तो बस पूछो ही मत, घर पे अभी जो है वो सामान वगैरह इतना सॉर्ट आउट करने बाकी था, तो वो करके मैं अभी फ्री भी नहीं हुई। और उसी दौरान मुझे सब कुछ क्लीनिंग का सब कुछ दिख जाता है, क्योंकि दिवाली आने वाली है तो मुझे क्लीन भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। ये देखिए गार्डन की हालत देखिए, गार्डन हवे 1 वीक खमीदा बधा रहा, કેમ વરસાદ આવવાનો છે? ના ના, જે જેટલા પાંદડા પડવાનો એટલા પડી જાય એક સાથે। હા
कितना ज्यादा मैसी हो गया है ना हमारा गार्डन, क्योंकि वीडियो लेने में भी पहले थेगी। हाँ, ये सारा कुछ क्योंकि ऑटम आता है ना, तो अभी पूरा का पूरा ये पेड़ खाली हो जाएगा ना, तब तक गिरता रहेगा वो पेड़, क्या बोलते हैं, पत्ते वगैरह सब कुछ गिरता ही रहेगा। और इसमें से थोड़े बहुत मैं अभी गेंदे के जो फूल है ना अच्छे अच्छे वो ले लूंगी। हाँ, अभी कट कर लेंगे। ऊपर से कट करना की नहीं, आता हो से पास 9 बजे खुई की ना, आने पाछा करवा पड़े अपने, रीग्रो करवाना होया सीड होय ने एने ट्रे मा रीग्रो करवा पड़से मार्च अप्रैल मा। उगी गया जो अहीं उगी गया छे, आ ए तो थोड़ू गरम होय तो थई जाय, बट अतली ठंडी मा तो ना थाय। विंडी कितना है वेदर अभी तो? जो आ मैं एमनो नाख्या तो आ उगी गया, अहीं उगी गया जो। हां, पर वेदर थोड़ा गरम होगा ना तो हो जाएगा, पर ये पूरा बढ़ नहीं पाएगा तब तक, तो ठीक से वही करना पड़ेगा, लाइक सब कुछ निकाल लेंगे ये सब कुछ, तो टाइडी अप लगेगा। ठंडी लग रहे है ना मेरे जो ये सारे नाइट सूट्स है ना, वो गरम गरम वाले निकल गए, पूरा दिन मैं इसी में रहूंगी, अभी इतनी ठंडी लग रही है। घर पे हीटिंग चालू होता है ना, फिर भी बॉडी रहता था वो नहीं रह रहा, अभी ठंडा ठंडा ही रह रहा है हाथ पैर सब कुछ। लकीली बच्चों को जुकाम वगैरह नहीं है इतना ज्यादा, तो अच्छा है, धीमे धीमे वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी फ्लू और सब कुछ अक्टूबर नवंबर दिसंबर होपफुली ना हो किसी को। हाँ, होपफुली नहीं होगा, नहीं अभी थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा। तो बस ये अभी गार्डन गिरीश बोल रहा है कि नेक्स्ट वीक समथिंग करेंगे, एक हफ्ता रहने दे। हाँ, नेक्स्ट वीक करेंगे, सब बोल रहा है वो गिर जाएंगे, वरना तो कोई फायदा नहीं है। तो पाव भाजी तो बनानी है, पर पाव तो है नहीं, बस भाजी बना देती हूँ, पाव गिरीश लेट लेके आएंगे, जब बच्चों को लेने जाने का टाइम होगा तभी लेके आना। यस, बहुत ही अच्छी गुड मॉर्निंग हमारी सैटरडे की। ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये आवाज है पॉपिंग कैंडी की। हेलोवीन के दिन जो जो कैंडी मिली थी, जो क्या बोलते हैं वीगन थी ना, वही रखा हुआ है, वेजिटेरियन वाली जिलेटिन वाली सारी फेंक दी है, और ये पॉपिंग कैंडी इन लोगों के हाथ में आ गई, तो आज तो सुबह से एक 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 डाल डाल के मुंह में एंजॉय कर रहे दोनों। सैटरडे का दिन है, बहुत ही अच्छा सा सैटरडे। यस, हैप्पी सैटरडे। संडे को है बॉनफायर नाइट, कहाँ पे जाना है? काले? हाँ, 5 नवंबर। हाँ, जाना है कहीं पे, कुछ प्लान करते हैं। हम कभी भी गए नहीं है बॉनफायर नाइट, हमें कोई दिवस नहीं दिया, खाली प्लान मारते। हाँ, तो देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं, किसी से मुझे भी नहीं पता, गूगल करते हैं। लिस्ट में बहुत जगह पे होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में कीजिए, बताइए, आई मीन कहाँ पे है अच्छी सी, तो हम लोग आएंगे। लेस्टर वाले है, देखते हैं, तो फिर एबे पार्क में छे। एबे पार्क में तो हर साल होता ही है, देखते हैं अभी टिकट वगैरह है या फिर ऐसे ही है। टिकट है? हाँ, टिकट है ना। कितनी है? एडल्ट की 15 पाउंड और अंडर 16 की 10 पाउंड और फैमिली है दो एडल्ट दो किड्स तो 40 पाउंड। अच्छा, टिकट क्यों रखते है यार, वो स्काई में तो देखना है। नहीं, वो दूसरा सब कुछ होगा ना अंदर। अच्छा, बीजू डैडी, लेट्स सी कहाँ पे होता है, कुछ प्लान करेंगे। कभी हमें, हम लोग गए नहीं है यहाँ पे आने के बाद, कभी भी नहीं गए। बॉनफायर शो जो है ना, आज एकदम गंदो छोकरो जो 7:45 ना से फायर एंड स्पार्क शो। यस, जो काउंटडाउन टू लेस्टर बिगेस्ट फायरवर्क डिस्प्ले 8 PM। हाँ, सुबह से हो गए है दोपहर का टाइम, और यहाँ पे मेसी होना स्टार्ट हो गया है फिर से, ये तो रहेगा ही रहेगा। इंडिया से जो कलर्स वगैरह लाए थे ना, उसी में दोनों भाई इतने बिजी रहते हैं ना कलरिंग करने में और सब में, तो अच्छा है सुबह से वही। और मैं आधा घंटा घंटा सो गई थी, तो अभी सोने के बाद मुझे चाहिए होती है गर्मा गर्म चाय। वैसे भी इतना ठंडा वेदर होता है ना, चाय पीने का मजा ही कुछ अलग होता है। चाय बना लेते, चाय पी लेते, फिर मिलते। इंडिया ना? हाँ, तो ये तो आता ही आता है हमारे घर पे। अगर आप लोग बाहर से कहीं पे इंडिया जाते हैं, तो स्पेशल थिंग कौन सी होती है जो आप लाती लाते हो हमारे घर में? ये बनाना आती ही आती है। और यहाँ पे आदि को जाना है अभी बबल बाथ के लिए,
क्योंकि दो दिन से वो वैसे ही शावर कर रहा था। बबल बाथ उसका फेवरेट होता है, वीकेंड होता है ना तो बबल बाथ में जाने ही जाना होता है दोनों को। बबल बाथ कर लो बे, अन पछी दिवाली नु करवानो के। ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ, तो अभी ब्राह्मण का टॉपिक चल रहा है, उसके बाद दिवाली का टॉपिक करना है सारा जो होता है। तो दिवाली आने वाली है और ये जो मेरे तोरण है ना डोर के, ये बहुत टाइम से मैंने लगाए हुए है, ऐसे के ऐसे ही है, थोड़ा भी चेंज नहीं लाया मैंने इसमें, नई वैरायटी कुछ भी। तो मेरी जो फूई है इंडिया में, उसने बहुत ही अच्छे से पिरो के दिया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो मैं लगाने वाले हूँ, एक दो दिन में लगाऊंगी ताकि नया नया दिन लगे। दिवाली में आप लोग क्या क्या चेंजेस करने वाले हो, अपने घर में क्या डेकोरेट करने वाले हो, प्लीज कमेंट में बताना। और कहाँ कहाँ से लिया है, वैसे फोटो तो आप लोग अपलोड कर नहीं सकोगे यूट्यूब में कमेंट में, पर इंस्टाग्राम की जो मैसेजेस आती है ना उसमें दिखाई कि मुझे भी पता चले कि क्या क्या आप लोग नया लाए हो। मेरा तो आप लोग देख ही लेते हो वीडियो में, तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे तोरण लाए हैं उन्होंने, अपने हाथों से बनाए हैं मोती के। तो ये बनाया है, देखे कितने ब्यूटीफुल से दिख रहे हैं। सो आई कांट वेट कि मैं ये कब लगाऊंगी, ये वो निकालूंगी फिर ये लगा दूंगी, फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि कैसा दिख रहा है। और इसके अलावा जो मेरा क्लीनिंग का काम है सब कुछ, वो तो चल ही रहा है क्योंकि 15 दिन वैसा हो गया था, 15 दिन जैसा हमें इंडिया में थी तो घर भी इतना खराब हो गया था, तो वो भी सब कुछ हो ही रहा है। तो उसी बीच में वीडियो और सब कुछ करना थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, पर फिर भी कर रहे हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज 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 कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, बाय बाय।